प्रयागराज की बात करते हैं, वहां पर टीजीटी अध्यापक भर्ती में दो सवालों के उत्तर गलत होने को लेकर याचिका दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इस पर अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। यहां पर आपको बताएं कि साल 2016 की 7316 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती परिणाम के बाद जारी उत्तर कुंजी में दो सवालों के जवाब गलत मिले। इस पर याची दयानंद ने अपनी याचिका दाखिल की है। याचिका में नए सिरे से परिणाम घोषित किए जाने की मांग की गई है। राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है कि ये दो उत्तर गलत कैसे। इस मामले की अगली सुनवाई होगी 6 दिसंबर को। टीजीटी अध्यापक भर्ती मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इस पर अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। यहां पर आपको बताएं कि साल 2016 की 7316 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती परिणाम के बाद जारी उत्तर कुंजी में दो सवालों के जवाब गलत मिले। इस पर याची दयानंद ने अपनी याचिका दाखिल की है। याचिका में नए सिरे से परिणाम घोषित किए जाने की मांग की गई है। राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है कि ये दो उत्तर गलत कैसे। इस मामले की अगली सुनवाई होगी 6 दिसंबर को। टीजीटी अध्यापक भर्ती मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इस पर अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। यहां पर आपको बताएं कि साल 2016 की 7316 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती परिणाम के बाद जारी उत्तर कुंजी में दो सवालों के जवाब गलत मिले। इस पर याची दयानंद ने अपनी याचिका दाखिल की है। याचिका में नए सिरे से परिणाम घोषित किए जाने की मांग की गई है। राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है कि ये दो उत्तर गलत कैसे। इस मामले की अगली सुनवाई होगी 6 दिसंबर को। टीजीटी अध्यापक भर्ती मामला है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।